अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चले मैं आज आप लोगों को मस्जिद नबी के अंदर की कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो का स्किप ना करें। वीडियो का स्किप करेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ समझने को नहीं मिलेगा, कुछ जानने को नहीं मिलेगा। तो चले मैं आप लोगों को मस्जिद नबी के अंदर कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है मस्जिद नबी में आना, क्योंकि बहुत सारा आदमी सऊदी अरब में 10 साल से 20 साल से हैं, नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, कोई प्रॉब्लम से। यहाँ तक अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी कोई कोई आता है, कोई कोई नहीं आ पाता है, क्योंकि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी नहीं आ पाता है, जिसके पास नहीं है वो आ जाता है। तो ये हकीकत है कि आप मस्जिद नबी के अंदर आए तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं नमाज का टाइमिंग है, कौन सी रकात की, कौन सी टाइम की, कितना बजे की नमाज है। आप यहाँ पे पूरा अच्छा से एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह का तस्वीरें आप लोगों नमाज, जुम्मे की नमाज से पहले अगर आएंगे तो इस तरह मिलेगा। अगर जुम्मे के टाइम आएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा फूल मिलेगा, क्योंकि अभी हज ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी हाजी लोग यहाँ पे अभी, क्योंकि मैं सुबह सुबह गया था तो इस तरह का तस्वीरें मेरे को मिला, इस तरह का रिकॉर्ड कर पाया। अगर यही अगर मैं 12 बजे से बाद जाता तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाता, वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं यहाँ पर। इस तरह देखें, अगर आप वीडियो आपको बनाना है वहाँ पे तो जुम्मे की बात जाएं, और नहीं तो सुबह 8-9 बजे जाएंगे तो इस तरह का तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे देख लें, आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके कोई सवाल है, कोई जवाब है, आप कहाँ के वीडियो आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप हमसे मांग सकते हैं मैं उस चीज़ का, क्योंकि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के वीडियो जाकर बना के आप लोगों के बीच में शेयर करूं, ताकि आप लोगों को अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से देख रहे हैं तो आप वहां से दीदार कर सकें, अपना मोहब्बत यहां पे दिखा सकें। ये आप लोग देखें इस तरह का, यहां पे कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आने के बाद दिल में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि हद से ज़्यादा। आप देखें यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी नीचे इतना जाम हो जाता है कि आदमी लोग ऊपर भेजा जाता है, ऊपर भी जाम हो जाता है, बाहर भेजा जाता है, बाहर भी जाम हो जाता है, तो बगल में कुबा मस्जिद है वहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह अगर मस्जिद नबी के अंदर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग सुबह जाएं, नहीं तो मगरिब के बाद जाएं, देखें कितना खाली मिलता है। नहीं तो अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ना है तो आपको यहाँ आपको 10 बजे वहां पहुंच जाना है, उसके बाद आप मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको 10 बजे के बाद जाएंगे तो आपको बाहर नमाज़ पढ़ना पड़ेगा अंदर, क्योंकि जगह नहीं होता है, अंदर इतना ज़्यादा फूल हो जाता है कि आपको खड़ा होने की भी जगह नहीं मिलता है। यहाँ पर सुरतालो है कि आप लोगों को अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि कितना आदमी अंदर जा चुका है, इसलिए वो गेट को बंद कर देते हैं कि अलाउ नहीं करते हैं किसी को अंदर जाने के लिए। अगर आप अंदर से बाहर निकल गए तो आप ही नहीं जा सकते अंदर, क्यों यहाँ पे गेट पे अगर जाएंगे तो गेट पे यहाँ पे बैठे रहते हैं मतौवे लोग, उन लोग से आप एक पर्ची ले के बाहर जाएँगे टॉयलेट में या बाथरूम में कहीं जाएँ कुछ करने पर, साफ साफ करने के लिए, तो आप लोगों वहाँ से एक पेपर कूपन मिलता है, कूपन ले के जाएँगे, उसके बाद आप रिटर्न आ सकते हैं। अगर कूपन ले के नहीं गए तो आप रिटर्न अंदर नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे ये चीज है। लेकिन यहाँ पे आने का हर किसी का ख्वाहिश है, जो भी मुस्लिम है वो उनका ख्वाहिश रहता है कि कम से कम एक बार उमरा करें, एक बार हज करें। अगर इंडिया, पाकिस्तान से हैं तो उनका ख्वाहिश रहता है किसी कारण से कि वो कम से कम एक बार उमरा और एक बार हज कर सकें, क्योंकि मुस्लिम के ऊपर फ़र्ज है एक बार हज करना। लेकिन हर किसी के पास औकात नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए हज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इंसान यहाँ पे काम करता है, जो आदमी यहाँ काम करता है, वो तो उमरा कभी भी कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप उमरा महीने में एक बार करो या साल में करो या 10 साल में एक बार करो, आपके मर्जी, आपके पास टाइम है तो आप डेली जाके उमरा कर सकते हैं। और वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको एक ही बार उमरा करना है, उमरा के लिए या मस्जिद नबी में ज़ियारत करने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। आप देखें जैसे जैसे टाइम हो रहा है उस तरह यहाँ पे भीड़ भरता जा रहा है, क्योंकि मैं जब अंदर आ चुका था तो यहाँ पे देखें इस तरह, यहाँ पे इस तरफ इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि
और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रियाजु जिन्ना के साथ नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाहर नमाज पढ़ने के लिए आबादी, आप देख सकते हैं यहाँ सामने रियाजु जिन्ना दिखता है, यहाँ पे आप बाहर से भी, बाहर से यहाँ पे आप देख सकते हैं रियाजु जिन्ना का किस तरह तस्वीरें हैं। आपको अगर रियाजु जिन्ना के अंदर जाके नमाज पढ़ना है तो आपको परमिट चाहिए, बगैर परमिट के आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं वहाँ पर, नहीं नफिल के नमाज पढ़ सकते हैं और नहीं उसके अंदर जा सकते हैं। तो आपको अगर लेना है परमिट तो आप परमिट नुस्खू का अप्लीकेशन है उस पर जाकर आप परमिट ले सकते हैं। परमिट यहाँ अगर सऊदी अरब में है या कहीं भी है तो साल में एक ही बार परमिट मिलता है। अगर आप एक बार परमिट ले लिए हैं किसी कारण कैंसिल हो गया, फिर आप दोबारा एक साल के बाद ही आपको परमिट इशू किया जाएगा, क्योंकि ये पहले सिस्टम था कि आप ये डेली परमिट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चेंज किया गया, महीने के किया गया, उसके बाद अब साल का कर दिया गया कि एक साल में एक बार आप रियाजु जिन्ना के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। देखें रियाजु जिन्ना की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अंदर जाने का बहुत मुस्लिम की जो भी मुस्लिम है उसको सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रहता है कि रियाजु जिन्ना में कम से कम एक बार हम जाएँ, वहाँ पर एक बार नमाज पढ़ें। ओके गाइस, थैंक यू।